अप्रैल माह से जुड़ी भविष्यवाणियां। अब की बार सेहत देगी आपका कितना साथ, अप्रैल माह के 31 दिन बीतेंगे कितने शानदार, संबंधों के मामले में रहेंगे कितने भाग्यशाली, काम कारोबार में मिलेगी कितनी तरक्की, धन संपदा के प्रबल योग में कितना कमाएंगे, भाग्य के बल पर क्या कुछ पाएंगे, क्या कहता है अप्रैल मासिक राशिफल 2024? देखे सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, अप्रैल माह मासिक राशिफल 2024 में धर्म ज्ञान के तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह आचार्य डॉक्टर मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी, सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। देखिए, भगवान शिव की नगरी यानी कि हरिद्वार से मैं हर महीने देखिए मासिक राशिफल इसलिए लेकर आती हूँ क्योंकि देखिए हर महीने हर दिन ग्रहों की स्थिति में डिग्रियों में बड़ा बदलाव होता है। यही बदलाव आपके हमारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लेकर आते हैं। वो परिवर्तन देखिए हमारी हेल्थ में भी होता है, हमारी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में भी देखा जाता है और हमारी फाइनेंशियल लाइफ में भी। और ऐसे में देखिए अप्रैल का ये महीना खासकर तुला राशि तुला लगन वाले लोगों के लिए कितना खास रहेगा, क्या कुछ इस महीने आप लोगों के लिए पाने के लिए हासिल करने के लिए अपॉर्चुनिटीज कितनी आप ग्रैब कर पाएंगे, इस महीने कितना मौके ईश्वर की कृपा से आपको मिलेंगे आगे बढ़ने के लिए, सब कुछ जानेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं जिसे जानेंगे आपकी किस्मत के सितारे क्या कहते हैं, आपकी ग्रह दिशाएं इस बार किस ओर संकेत दे रही है, बताएं मैं जी। देखिए, तुला वालों की बात करें तो इस समय तुला लगन तुला राशि वालों के लगन भाव में कोई ग्रह नहीं है, दूसरा भाव भी खाली, तीसरे भाव में चंद्रमा है, चौथा खाली, पांचवें भाव में शनि मंगल की युति है, छठे भाव में देखिए सूर्य शुक्र और राहु का त्रिग्रही योग बना हुआ है यहाँ पर, और सातवें भाव में बुध और गुरु बैठे हैं, बाकी सारे भाव अष्टम नवम दशम एकादश खाली और बारहवें भाव में केतु। तो ये ग्रह स्थिति बनी हुई है। लग्नेश जो है अभी उच्च के बने हुए हैं लेकिन छठे भाव में है, और यहाँ पर कहते हैं कि छठे भाव में अगर लग्नेश हो जाए तो वो उच्च का होके भी पूर्ण सुफल नहीं दे पाता है, और साथ में अभी राहु की युति है, हालांकि ये बहुत जल्दी ये परिवर्तन हो जाएगा ग्रहों का, तो उसके बाद कहीं ना कहीं स्थिति में तेजी से सुधार भी होगा। कुल मिलाकर ये जो महीने की बात कर रहे हैं, ये महीना तुला राशि वालों के लिए ओवरऑल काफी अच्छा रह सकता है। चलिए, आपने कहा काफी ज्यादा अच्छा रह सकता है, लेकिन कहाँ कहाँ ये भी जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं देखिए आपकी सेहत को लेकर, स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें क्या इस महीने भी आपको परेशान करेंगी, ये जानेंगे। देखिए, इस महीने सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि सूर्य शुक्र राहु की युति के चलते हेल्थ इश्यूज रह सकते हैं, जिनको शुगर, हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल या पेट संबंधी रोग रहते हैं, गले छाती के रोग रहते हैं, उनकी समस्याएं बढ़ सकती हैं, तो थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखें। वैसे सभी तुला राशि वाले तुला लगन वाले अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे तो इस महीने बेहतर रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए, जी हाँ, बाहर जाने की सोच रहे हैं, अब्रॉड में हायर स्टडीज करनी है या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रखा है और कुछ करना है, करियर में आगे बढ़ना है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से छात्र छात्राओं के लिए ये समय कैसा रहेगा अप्रैल? देखिए, छात्र छात्राओं के लिए अप्रैल का महीना जो है हम कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छा रहेगा, और शिक्षा परीक्षा में नए नए आपको कहना चाहिए आयाम हासिल करेंगे। जो लोग एडमिशन जिनको लेना है उनको एडमिशन मिल जाएगा, काम कारोबार अच्छा रहेगा इस महीने, और साथ ही साथ स्टूडेंट्स के लिए जो लोग विदेश जाना चाहते हैं तो बारहवें भाव का केतु जो है आपको विदेश ले जा सकता है जी। और वहाँ जाके नौकरी करना या पढ़ाई करना, या जो लोग अपने एग्जाम खत्म कर चुके हैं इनकी पढ़ाई खत्म हो रही है उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा कि वो लोग जो है आगे जाके जॉब भी ढूंढ सकते हैं। तो कुल मिलाकर छात्रों के लिए एक बेहतरीन समय है, इस समय का पूर्ण फायदा उठाना चाहिए। मैं जो जॉब में है और दोबारा एजुकेशन के उसमें जाना चाहते तो वो भी जा सकते हैं इस टाइम? देखिए, बिल्कुल, शिक्षा प्राप्ति के लिए समय बहुत ही अच्छा है। बुध गुरु दो बड़े ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं जिसको ज्ञान का कारक माना गया है जी, और ये शिक्षा प्राप्ति में आपको विशेष लाभ देंगे। बात करते हैं अब आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर, आपके रिश्तों को लेकर, ये समय आपका कैसा रहेगा, आपका प्रेम प्रसंग वैवाहिक जीवन क्या कहता है, आपके जीवन में आपके परिवार में कितनी खुशियां आने वाली हैं, आप कितने नए रिश्तों से जुड़ने वाले हैं, तो आइए रिश्तों के लिए ये महीना आपके लिए कितना खूबसूरत रहेगा। देखिए, रिश्तों के लिहाज से बात करें तो ये महीना आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। बुध गुरु की युति वैवाहिक जीवन में खुशियां पैदा करेगी, संतान पक्ष भी अच्छा रहेगा, और पंचम भाव प्रेम संबंध भी आपका बहुत अच्छा रहेगा, तो इसलिए कुल मिलाकर ये महीना आपके लिए काफी बेहतर रहता हुआ नजर आ रहा है। लव लाइफ, मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। विवाह के योग बनते हैं तुला राशि वालों के जो अविवाहित हैं और जो संतान प्राप्ति के चाह रख रहे हैं उनको भी कुछ समय रुकना चाहिए क्योंकि पंचम भाव में शनि मंगल की युति जो है ये कंसीव करने के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है जी। तो मंगल की प्लेसमेंट चेंज होने दीजिए,
जो कि मंगल इस महीने चेंज हो जाएंगे, उसके बाद स्थितियों में काफी सुधार होगा। चलिए, अब तक हमने मयंक जी से देखिए आपकी हेल्थ के बारे में जाना, स्टूडेंट्स के बारे में भी हमने जान लिया, आपका काम कारोबार, माफ कीजिए, रिश्ते कैसे रहेंगे ये भी जान लिया। अब बात करते हैं आपके काम कारोबार को लेकर, आपका प्रोफेशनल फ्रंट क्या कहता है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, जॉब में है वहाँ जो परेशानी आ रही है क्या वो कम हो पाएंगी, कितनी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी आगे बढ़ने के लिए, क्या जॉब स्विच करने की आप सोच रहे हैं, बिजनेस में है तो वहाँ का तालमेल आप कितना अच्छे से बिठा पाने में कामयाब हो पा रहे हैं, तो आइए काम कारोबार आपका काम धंधा सब कैसा चलेगा। देखिए, काम धंधे की बात करें तो ये महीना आपके लिए लाभ कमाने का है, नौकरी व्यवसाय हो अच्छा लाभ मिलेगा। शनि मंगल की युति आपको धन लाभ बड़े अच्छे करा रही है, क्योंकि शनि मंगल की जो सप्तम दृष्टि पड़ रही है वो आपके लाभ स्थान पर पड़ रही है कविता जी, अच्छा धन लाभ का संकेत रहता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि मंगल की जो दृष्टि है वो केतु पर भी है, जिसके चलते कन्या राशि का केतु है तो पेट संबंधी तकलीफ भी बढ़ सकती है, या रोग चोट दुर्घटना, या वाहन संभाल के चलाएं, तुला राशि वाले चीज का ध्यान रखें। बाकी नौकरी व्यवसाय काम कारोबार के दृष्टिकोण से ये महीना आपको बहुत ही ज्यादा लाभ देगा, धन लाभ के अच्छे संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। जो लोग नौकरी में परिवर्तन करने की सोच रहे हैं, नया काम की शुरुआत कर रहे हैं, गुरु अभी सप्तम भाव में है, बहुत ही अच्छी पोजीशन में गुरु बुध है नए कार्य की शुरुआत करने के लिए, मई से बेहतर ये अप्रैल का महीना रहेगा जी। तो कुल मिलाकर स्थितियां बहुत बेहतर हैं। किसी नए काम की शुरुआत इस महीने ये लोग कर सकते हैं अगर इनके माइंड में है? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, सूर्य की पोजीशन यहाँ आने वाली है, 14 तारीख के बाद सूर्य भी चेंज होंगे, शुक्र भी आएंगे, तो एक स्थिति बहुत ही सुंदर बन रही है, परिवर्तन के लिए भी अनुकूल है, बिल्कुल बहुत अच्छी है। चलिए, तो मयंक जी के साथ हमारी प्रोफेशनल लाइफ से फाइनेंशियल लाइफ भी पूरी तरह से कनेक्टेड होती है, तो धन भाव इनका इस बार क्या कहता है? देखिए, धन का और लाभ का ग्रह, देखिए लाभ का ग्रह भली छठे भाव में बैठा है, ये 15 तारीख के बाद यहाँ पर आ जाएंगे, पर धन का कारक ग्रह मंगल यहाँ है और सप्तम भाव को देख रहा है, बहुत ही अच्छी दृष्टि है यहाँ मंगल की, ये धन लाभ कमाने के लिए बहुत अच्छी है। शनि भी सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं लाभ स्थान को, तो लाभ देंगे। सप्तम भाव में बुध गुरु भी आपको व्यापार में अच्छा धन लाभ देती है, तो व्यापारियों को बड़ा धन लाभ होता हुआ नजर आ रहा है जी। और शनि मंगल की युति जो इनको यहाँ चल रही है उससे उनको देखिए काफी अच्छा लाभ जो है काम कारोबार में देखने को मिलेगा। कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट ये कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। उधारी दे सकते हैं? उधारी भी दे सकते हैं फिलहाल, वो भी आपके लिए सही है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। चलिए मयंक जी, मोस्टली मुझे लगता है कि 90% आपने बताया कि सब कुछ इनका सही रहने वाला है, हेल्थ और सब प्रोफेशनल सब हर पैमाने पर, ऐसे में किस्मत आपको लगता है कितना साथ इनका देगी जो इनको और आगे पहुंचाएगी? देखिए, भाग्य का पूर्ण सहयोग मिलेगा। अब देखिए, भाग्य सप्तम भाव में इनके विराजमान है तो बहुत अच्छी अवस्था में है, तो कोई दिक्कत नहीं है, भाग्य पूरी तरीके से साथ दे रहा है। और साथ ही साथ देखिए, भाग्य स्थान के स्वामी के साथ जो है गुरु है, तो ये बहुत अच्छा संकेत है। शनि मंगल की युति जो है इनको यहाँ अधिकतर राशियों में नुकसान पहुंचा रही है, तुला लगन में ये लाभ देती है। अच्छा, यहाँ धन लाभ होता है, प्रॉपर्टी का लाभ मिलता है, जो लोग प्रॉपर्टी से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी लाभान्वित रहेंगे। चलिए, तो इसी के साथ मुझे मयंक जी को दीजिए इजाजत, से पहले मयंक जी मुझे लगता है उपाय भी जान लेना चाहिए। देखिए, इनका उपाय जो इस महीने क्या करना चाहिए, उपाय के तौर पर आप सूर्य देव को जल दें तो वो अच्छा रहेगा, हनुमान जी की पूजा निरंतर करनी चाहिए, तुला लगन वालों को शुरू से कहता आ रहा हूँ, उनको लाभ देते हैं, और साथ ही साथ हल्दी का टीका जो है छाती पे लगाएं, विशेष लाभ मिलेगा, और भाग्य भी आपका जो है इस महीने अच्छा है, 90-95% आपके साथ रहेगा। चलिए, इसी के साथ अगर आपको भी अपनी व्यक्तिगत कुंडली का विश्लेषण करवाना है, वास्तु विजिट करवानी है अपने ऑफिस और घर की, अंक से जुड़े, अंक शास्त्र से जुड़ा कोई भी समस्या का समाधान अगर आप ढूंढ रहे हैं, तो बेझिझक स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर के जरिए आप मयंक शर्मा जी से सीधा संपर्क कीजिए और अपनी समस्याओं का समाधान पाइए। हम दोनों को दीजिए इजाजत, नमस्कार।